वैसे तो अलीगढ़ कई मायनों में सुर्खियों में रहता है, लेकिन यहाँ के तालों की वाहवाही पूरी दुनिया करती है। एक से बढ़कर एक ताले मिलते हैं यहाँ। छोटे बड़े ताले के साथ ही मजबूती में भी इनका कोई तोड़ नहीं है। ऊपर से इन पर की गई नक्काशी के तो क्या ही कहने। वैसे बात हम ताले की ही करने वाले हैं, मगर ये ताला थोड़ा खास है। दरअसल ये ताला है 300 किलो का, और ये किसी फैक्ट्री या मशीन में नहीं, बल्कि शहर के ज्वालापुरी इलाके के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति ने बनाया है। सत्यप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी रुक्मणी शर्मा कमाल के कारीगर हैं। उनकी मेहनत और लगन का दस्तावेज है ये 300 किलो का ताला। उनका दावा है कि ये ताला जब बनकर तैयार होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा ताला होगा। शर्मा दंपति गली नंबर 5 में रहते हैं और पिछले एक साल से वो ये ताला बना रहे हैं। वो ये ताला शहर के रामसन लॉक्स के ऑर्डर पर तैयार कर रहे हैं। 6 फुट ऊंचे इस ताले की चौड़ाई 2 फुट 9 इंच है। हमने जब उनसे पूछा कि इसको बनाने में क्या क्या सामग्री लगी है, तो उन्होंने बताया, इसमें सामग्री है, पीतल है 60 किलो करीब, और बाकी आयरन है, और इसकी अब फिनिशिंग में जो भी आएगा वो भी लगेगा इसमें। ये ताले को मेरे को 1 साल हो गया बनाते हुए। सत्यप्रकाश शर्मा कहते हैं कि ताला तो बनकर तैयार है, लेकिन इसे और बेहतर आकार देने के लिए इसके कड़े बदलने का काम अभी करना है। कड़े बदलने के बाद इसका वजन करीब 350 किलोग्राम हो जाएगा। ताला नगरी के लोग इसे देखकर गर्व महसूस करेंगे। इसका भव्य रूप इस अलीगढ़ को नई मयार देगा। ये मैंने एक ताला बनाया है अलीगढ़ की पहचान के लिए और इंडिया की पहचान के लिए, जिससे कि हमारा देश का नाम हो। इस ताले में खासियत ये है, ताला आपको चाबी से चलेगा, लगेगा भी, सारे फंक्शन उसमें मौजूद हैं। सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि इस ताले को बनाने का ऑर्डर लॉकडाउन से पहले मिला था। लॉकडाउन के समय से ही दोनों लोग ताला बनाने में जुटे हैं। तकरीबन साल भर होने को आया है, अब सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि 3 फुट 4 इंच की इसकी चाबी है, जो अपने आप में खास है। इस चाबी का वजन भी 25 किलोग्राम से ज्यादा है। हमने उनके साथ उनके सुख दुख में साथ देने वाली उनकी पत्नी रुक्मणी से पूछा कि परिवार, घर और बच्चों के साथ आपने इस ताले को बनाने में इनकी कैसे मदद की, तो रुक्मणी ने जो कहा वो आप भी सुनिए। सवेरे 4 बजे उठकर अपना घर का काम करती थी 9 बजे तक। 9 बजे के बाद में इसको मैंने सारे दिन इसका काम किया है। शाम को फिर अपना घर का काम करने के बाद में रात को लेट अवेर भी हमने इसके काम को पूरा किया है। सत्यप्रकाश शर्मा का बनाया ये ताला फिलहाल अपनी नई इबारत रचने को तैयार है, लेकिन हमने उनके आगे के प्लान के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, आगे का मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अब ताला जो दूसरा बनाना चाहता हूँ, वो ताला बनेगा 5 फुट कम से कम चौड़ा और 10 फुट ऊंचा, जिसे मैं 26 जनवरी में अपनी एक वो झांकी निकाल सकता हूँ। हमने जब उनके कारीगरी के काम के इतिहास के बारे में पूछा तो सत्यप्रकाश ने बताया कि उनके पिता स्वर्गीय भोजराज भी बड़े ताला कारीगर हुआ करते थे। उन्होंने भी कभी भारी भरकम ताले बनाए हैं। उस समय उनके पिता शहर के मशहूर ताला कारीगरों में शुमार होते थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता का बनाया हुआ एक ताला कोलकाता भी गया था। उस वक्त उसका वजन 40 किलो के आसपास था, जबकि उनके पिता की कारीगरी का एक दूसरा नमूना आज भी अलीगढ़ में है और लटकता हुआ अपनी कारीगरी के कसीदे गढ़ता अपने पर इठला रहा है।